देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के महरौली में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में एक गाड़ी चोरी हो जाती है और 48 घंटे होने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल पाता, जबकि सरकार ने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं। इसके बावजूद भी महरौली थाने से अब तक कोई भी खोज खबर और पूछताछ नहीं की गई है। दरअसल जिस स्थान से उस युवक की गाड़ी चोरी हुई वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसे अभी तक पुलिस ने खंगाला तक नहीं है और ना ही कोई इस मामले में खोज की है। मैं पंडित चौधरी बोल रहा हूँ। 9 तारीख की रात मेरी गाड़ी चोरी हुई है, जिसकी FIR हमने महरौली थाने में करवा रखी है, फिर भी हमें कुछ पता नहीं चला है। जिसकी कुछ सीसीटीवी कैमरे में भी मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें कुछ पता नहीं चल पाया आज तक। दिल्ली पुलिस इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं, इसके बारे में अभी तक हमें कुछ जानकारी नहीं दी है ना, कोई कार्रवाई कर रही है ना, तो हमें कार्रवाई का पता है क्या उन्होंने किया, अभी तक कुछ हमें पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि युवक का कहना है कि यह गाड़ी महरौली से आजादपुर दिन में 2 या 3 चक्कर लगाती है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा फल का दुकान है। हमने मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर यह गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसे भी चुरा ली गई। इस युवक का नाम प्रदीप चौधरी है, जो महरौली देसु रोड वार्ड नंबर 1 में रहता है। गौरतलब है कि गाड़ी दिनांक 8 तारीख 7वां महीना 2019 की रात 12:30 पर चोरी हुई थी। गाड़ी नंबर DL1L4050 है। इसकी कीमत 10 लाख है और इस कीमत को गवाने का दर एक मजदूर और कम पैसे कमाने वाला ही जान सकता है कि आज उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन महरौली पुलिस चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पुलिस ने अब तक ना ही कोई कदम उठाया है और ना ही सीसीटीवी कैमरे की जांच की है, बल्कि FIR दर्ज कराने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जिस पर पूरा परिवार हताश और निराश है। वही मीडिया में खबर चलने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है और कोई भी कार्यवाही करने से काफी दूर है। हालांकि नवोदय टाइम में इस खबर को विस्तार रूप से छापा था, अभी तक कोई भी पुष्टि जनक छानबीन और आश्वासन नहीं मिल रहा है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।